हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल JKPSC ने कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022 का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया है एंड इसमें टोटल 218 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया है इंटरव्यू। सो मनी मनी कंग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम। एंड अगर आप इस लिस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको NHR फर्स्ट एंड NHR सेकेंड मिलेगा। एंड NHR फर्स्ट में आपको मिलेगा टोटल कैंडिडेट्स, दैट इज़ 787 कैंडिडेट्स टोटल ऐसे थे जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। एंड NHR सेकंड में आपको मिलेगा टोटल जो 218 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है इंटरव्यू। अब इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा जो 23 एंड 24 अगस्त को। एंड जब आप लिस्ट देखोगे तो यहाँ पे जो टॉप किया है ओपन मेरिट में, यानी जो टॉप किया है इस बार, दैट इज़ अनमोल राठौर जी ने, इनके 108.450 मार्क्स बन रहे हैं, दैट इज़ अराउंड 49%। बिकॉज अगर हम तीनों स्टेज को मिलाएंगे, प्री मैंस और इंटरव्यू को, तो टोटल 2200 में टोटल मार्क्स होते हैं। तो इस ये जो टॉप किया है दैट इज़ अनमोल राठौर जी ने, इनकी 49% बनते हैं। एंड अगर हम देखेंगे कट ऑफ, जो ओपन मेरिट का कट ऑफ क्या रहा इस बार, दैट इज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि ओपन मेरिट का जो लास्ट कैंडिडेट है दैट इज़ गौहर शमी मीर, इनकी 99.450 बनते हैं, दैट इज़ अराउंड 45%। तो 45% जो है वो कट ऑफ रहा है इस बार किसका, ओपन मेरिट का। नाउ अगर हम थोड़ा फर्दर डिस्कस करेंगे तो इसमें जो प्रीलिम्स के लिए जो कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे, दैट वाज 23,571 कैंडिडेट जो है वो प्रीलिम्स के लिए अपेयर हुए थे। एंड वी नो कि प्रीलिम्स में दो पेपर होते हैं आपके, पेपर फर्स्ट जनरल स्टडीज़ का होता है एंड पेपर सेकंड सीसेट का होता है। एंड पेपर फर्स्ट में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं एंड 200 मार्क्स का ये होता है। एंड पेपर सेकंड जो होता है आपका, ये सीसेट का होता है, इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं एंड 80 क्वेश्चन के 200 मार्क्स होते हैं। एंड ये क्वालिफाइंग नेचर होता है, इसमें आपको 33% लाने होते हैं, आप सबको पता होगा। एंड जो पेपर फर्स्ट है इस बार जो कट ऑफ रही है वो 90 और 95 के बीच में रही है, 93 शायद रही इस बार, तो इसी के बीच में कट ऑफ रहते हैं प्रीलिम्स पेपर फर्स्ट की। इस तरह से अब इन 23,571 कैंडिडेट्स में से जो क्वालिफाई जिन्होंने किया था प्रीलिम्स, दैट वाज 4,944 कैंडिडेट्स ने क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स और इनको मैनस के लिए बुलाया गया था। इसके बाद जो मैनस में अपेयर हुए थे जब कैंडिडेट्स, तो इन 4,944 कैंडिडेट्स में से 3,891 जो कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने सारे पेपर, जो 8 पेपर होते हैं आपके मैनस में, तो वो सारे 8 पेपर में अपेयर हुए थे, दैट वाज 3,891 कैंडिडेट्स। नो अब इन 3,891 कैंडिडेट्स जो मैनस में अपेयर हुए थे, इनमें क्वालिफाई किया था 787 कैंडिडेट्स में से, तो इन 787 कैंडिडेट्स को दिन इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। एंड इनमें 5 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने प्री भी क्वालिफाई किया था, मैनस भी क्वालिफाई किया था, बट वो इंटरव्यू में अपेयर नहीं हुए थे, 5 कैंडिडेट्स ऐसे थे। तो देन फाइनली इन 787 कैंडिडेट्स में से 218 कैंडिडेट्स ने इंटरव्यू भी क्वालिफाई किया एंड अब इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा 23 एंड 24 अगस्त को। नाउ इससे जो हमारा दूसरा बोर्ड है, दैट इज़ JKSSB, उसको भी कुछ सीखना चाहिए कि कैसे अप्रोप्रिएट टाइम पे जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है एंड देन फाइनली जो है रिजल्ट को डिक्लेयर किया जाता है एंड मेडिकल एग्जामिनेशन होता है टाइम पे एंड फाइनली जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो दी जाती है कैंडिडेट्स को एंड बच्चों को जो फाइनल सेटिस्फेक्शन है, जो रियल सेटिस्फेक्शन है, वो मिल जाती है जब उनको अपॉइंटमेंट लेटर हाथ में आती है। एंड ऑल्सो इनमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका कुछ मार्जिन से उनकी सिलेक्शन रह गई है, दे शुड नॉट फील डिसअपॉइंटेड, अभी 8 अक्टूबर को और प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है, दे शुड गिव देयर बेस्ट। एंड ऑल्सो जो कुछ बच्चे अदर एग्जाम जैसे JKSSB के एस्पिरेंट्स हैं, उनको भी कंटिन्यूसली डेडिकेशन के साथ अपनी मेहनत करनी चाहिए, सो दैट कल ऐसे जब आपका नाम लिस्ट में होगा तो उस टाइम पे आपको एक अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन मिलेगी। नो विद दिस हम इस सेशन को कंप्लीट करते हैं, आप कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ाई करते रहे, अपने एंड अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।